Hello and welcome back everyone. Today we'll be starting with the biomechanics of hand complex. So hand complex में सबसे पहले याद रखने वाली बात ये है कि there are 19 bones, 19 joints distal to the carpal. मतलब carpals के बाद there are 19 bones and 19 joints और ये पूरा मिला के hand complex बनता है. So, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की, मतलब सीएमसी जॉइंट. सो जो ये सीएमसी जॉइंट है, इट इज बिटवीन द डिस्टल कार्पल रो एंड द बेसिस ऑफ द सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल्स. डिस्टल कार्पल रो एंड सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल्स. रिस्ट जॉइंट के टाइम पे मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कार्पल रो कैसे याद रखते हैं. लेट्स जस्ट रिवाइज ऑल द कार्पल्स. स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रपीजियम, ट्रपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट. सो व्हेन आई से द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, आई मीन द डिस्टल कार्पल रो, दैट इज ट्रपीजियम, ट्रपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट एंड द सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल्स. नाउ वी विल सी कौन सा कार्पल और कौन सा मेटाकार्पल आपस में आर्टिकुलेट करता है. सो हियर वी गो. This is trapezium, trapezoid, capitate and hamate. Here we have the distal carpal row and here we have the metacarpals. So as you can see, the first metacarpal here is articulating with the trapezium. The second metacarpal, that is this one, is articulating with trapezium, trapezoid and capitate. Third metacarpal is only articulating with the capitate. Fourth is again with capitate and hamate. And last fifth is with hamate. Ek baar repeat kar lete hain. First is with trapezium. First metacarpal sirf ek hi carpal ke saath articulate karta hai, that is trapezium. Second, teen logo ke saath karta hai, trapezium, trapezoid and capitate. Third, sirf aur sirf capitate ke saath karta hai. फोर्थ कैपिटेट एंड हैमेट के साथ करता है और फिफ्थ हैमेट के साथ करता है. सो यहाँ पे सिंगल कार्पल के साथ आर्टिकुलेट करने वाले तीन मेटाकार्पल्स है और मल्टीपल कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट करने वाले दो मेटाकार्पल्स है. जैसा कि मैंने कहा, सीएमसी जॉइंट को हम डिस्टल कार्पल रो एंड सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल ऐसे कंसिडर करेंगे. फर्स्ट सीएमसी जॉइंट विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली, दैट इज द थंब. सो ये जो सीएमसी जॉइंट्स है, ये लिगामेंट्स के साथ सपोर्टेड है. ट्रांसवर्सली द लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्जिट्यूडनली द लिगामेंट्स आर वीकर, बोथ डॉर्सली एंड वोलरली. मतलब ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स. सो ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लिगामेंट है वो स्ट्रॉन्गर है कंपेरिजन के लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन के लिगामेंट्स के साथ. और ये लॉन्जिट्यूडनली बोथ वोलर एंड डॉर्सल एस्पेक्ट पे होंगे. सो ये दोनों के कंपैरिजन में ट्रांसवर्स वाला ज्यादा स्ट्रांग है. उसमें से हमारे एक लिगामेंट है डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट. सो ये जो डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट है, ये सेकेंड टू फोर्थ मेटाकार्पल में ऐसे स्पैन होता है ऑन द वोलर साइड. और इसका काम क्या है कि वो मेटाकार्पल का अटैचमेंट प्रिवेंट करेगा एट द सीएमसी जॉइंट. सो ये जो हमारी मूवमेंट है अबडक्शन अडक्शन, ये करते टाइम पे उसके अटैचमेंट्स को प्रिवेंट करेगा एट द सीएमसी. अभी जो हमने देखा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कौन सा मेटाकार्पल और कौन सा कार्पल अटैच होता है, ये जो अटैचमेंट है इसको वो प्रिवेंट करेगा. सो देयरफॉर इन शॉर्ट, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की स्टेबिलिटी का. सो नेक्स्ट वी विल सी द आर्चेस ऑफ द हैंड. आर्चेस हमारे पास तीन है, प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च, डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च और लॉन्जिट्यूडनल आर्च. एक एक करके हम तीनों आर्चेस के बारे में देखेंगे. सो सबसे पहले एक डायग्राम, ये हमारे कार्पल्स बनाएंगे यहां पे. So here we have the trapezium, the trapezoid,
capitate and hamate. So this is our proximal transverse arch. ये proximal transverse arch in carpals, that is the distal carpal row से बनते हैं. इसको maintain करता है transverse carpal ligament. This is what transverse carpal ligament or intercarpal ligament, जो कि carpals के बीच में होगा. ये दोनों ligament मिला के ये arch को maintain करके रखते हैं. और जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्टल कार्पल रो और ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के बीच में एक टनल जैसा फॉर्म होता है. सो ये है हमारी कार्पल टनल. कार्पल टनल के बारे में हमने रिस बायोमैकेनिक्स के टाइम पे भी देखा था. सो कार्पल टनल इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट दैट ऑन वन साइड अटैचेस टू हुक ऑफ हैमेट एंड पिसिफॉर्म एंड ऑन द अदर साइड इट अटैचेस टू ट्रपीजियम एंड स्कैफोइड. ये लिगामेंट फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम का एक पार्ट है, डिस्टल पार्ट, और ये इन कार्पल्स को अटैच होता है, टनल बनाता है, और ये टनल के थ्रू पास होते हैं हमारे 9 फ्लेक्सर टेंडन्स एंड 1 नर्व, एंड दैट नर्व इज मीडियन नर्व. सो जो प्रॉक्सिमल कार्पल आर्च है दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्टल कार्पल रो एंड मेंटेन बाय द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम एंड द इंटर कार्पल लिगामेंट. इसको हम नेम कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट एंड द इंटर कार्पल लिगामेंट. दिस वॉज अबाउट द प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्च. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च जो कि यहां पे है. तो जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया, आपको समझ में आ गया रहेगा, द डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च इज फॉर्म्ड बाय द मेटाकार्पल्स, और उसमें भी द फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स की पोजीशन एडजस्टेबल होती है बिकॉज वी वांट टू कर्व द हैंड व्हाइल ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट्स. हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए हैंड को कर्व करना पड़ता है. सो द आर्च हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो द फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल की पोजिशन जो है इन द डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च इज एडजस्टेबल, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड जो है वो फिक्स्ड होते हैं. सो ये हो गया हमारा डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च. नाउ वी गो टू द लॉन्जिट्यूडनल आर्च. सो लॉन्जिट्यूडनल आर्च जो है इट ट्रैवर्सेस द लेंथ ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. मतलब प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड जो हमारा डिजिट तक जाता है, ये जो कर्वेचर है यहाँ पे वो होता है हमारा लॉन्जिट्यूडनल आर्च. सो अब जो भी मसल्स हमारे कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट को क्रॉस करेंगे वो ग्रिपिंग के टाइम पे हमें हेल्प करेंगे बाय एक्टिंग ऑन द आर्चेस. सो ये जो हमारा फिफ्थ कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है बिटवीन द फिफ्थ मेटाकार्पल एंड द हैमेट, वो जो है क्रॉस होता है बाय द ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी मसल. ये जो मसल है वो फ्लेक्स करेगा और रोटेट करेगा फिफ्थ मेटाकार्पल को. ये जो मेटाकार्पल है उसको फ्लेक्स करेगा और रोटेट करेगा अबाउट द लॉन्ग एक्सिस. ये एक्सिस में वो उसको मूव करेगा. देयर इज नो अदर मसल व्हिच क्रॉसेस और एक्ट्स ऑन द फिंगर एट द सीएमसी जॉइंट अलोन. कोई दूसरा मसल नहीं है जो अकेला सीएमसी जॉइंट पे काम करता है. हमारे रेडियल साइड के जो रिस्ट मसल्स है दैट इज द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस. ये तीनों मसल्स सेकेंड और थर्ड कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट को क्रॉस करते हैं टू इंसर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल्स, लेकिन ये मोशन क्रिएट नहीं करते. Therefore, they will act as stability for the CMC joint again. So, पहले हमने देखा था कि deep transverse ligament stability के लिए help करता है at the CMC joint. And now we are also seeing that these three muscles, that is flexor carpi radialis, extensor carpi radialis longus and extensor carpi radialis brevis, these also provide stability at the CMC joint. अगर हम ये सिनेरियो कंसिडर करें कि ये जो मसल्स है दोज वुड एक्ट एट द सीएमसी जॉइंट एंड प्रोड्यूस द मोशन ऑफ द मेटाकार्पल्स,
तो ये होता था कि वो सिंस दे आर एक्टिंग एट द मेटाकार्पल्स, वो देयरफॉर देयर विल बी अ लॉस ऑफ मोशन एट दोज जॉइंट्स बिकॉज ऑफ द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप लॉस. नाउ वी विल सी द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट दैट इज बिटवीन द कॉन्वेक्स मेटाकार्पल हेड प्रॉक्सिमली एंड द कॉनकेव बेस ऑफ द फैलिंग्स डिस्टली. सो इट इज अ कॉन्डेलॉइड जॉइंट विथ 2 degrees ऑफ फ्रीडम. सो एट द इंडेक्स फिंगर वी कैन सी अप्रॉक्स 90 degree ऑफ फ्लेक्शन रेंज, वेर एज एट द लिटिल फिंगर वी कैन सी अप्रॉक्स 110 degree ऑफ फ्लेक्शन रेंज. दिस इज अगेन बिकॉज वी नीड अ हॉलोइंग ऑफ द पाम वेन वी आर ग्रिपिंग द ऑब्जेक्ट्स. हमें ऑब्जेक्ट्स ग्रिप करने के लिए हॉलोइंग की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एट द इंडेक्स फिंगर और एट द लिटिल फिंगर ये रेंज डिफरेंस हमें दिखता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द वोलार प्लेट्स. नाउ वोलार प्लेट्स क्या होते हैं? वोलार प्लेट्स आपको हर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे मिलेंगे. इनका मेन काम होता है टू इंक्रीज द जॉइंट कॉन्ग्रुएंस एंड टू प्रोवाइड द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट स्टेबिलिटी. ये कैसे करते हैं? बाय लिमिटिंग द हाइपर एक्सटेंशन. ये जो एक्सटेंशन है उसको लिमिट करके, ये जो एक्सटेंशन है उसको लिमिट करने का काम करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी एट दिस जॉइंट. सो इनडायरेक्टली दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द लॉन्जिट्यूडनल आर्च ऑफ द हैंड. सो दीज वोलार प्लेट्स आर एट द ईच मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज. अब ये फाइब्रोकार्टिलेज का हमारे लिए बहुत एडवांटेज है क्योंकि इट डज टू थिंग्स. वन साइड वो हाइपर एक्सटेंशन जो है प्रिवेंट करता है बाय रेजिस्टिंग द टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस जो क्रिएट होता है वाइल हाइपर एक्सटेंडिंग अ जॉइंट वो उसको रेजिस्ट करता है. एंड सेकेंडली वो कंप्रेशन फोर्स क्रिएट करता है एट द मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट. सो इससे क्या होता है कि ये जो वोलार सरफेस है मेटाकार्पल हेड्स का, इट इज प्रोटेक्टेड वाइल वी आर ग्रिपिंग एनी ऑब्जेक्ट. Now you will see the attachment of the volar plates in the diagram. So here you can see we have our index finger. This side there is this collateral ligament. And on the other side we have the joint capsule. Aur yahan beech mein jo hai is the volar plate. So the volar plate is attaching at the base of the proximal phalanx and the head of the metacarpal. Matlab at the metacarpal joint only it is blending and lying deep to the joint capsule as well. So I hope the attachment is clear. Attaching at the base of the proximal phalanx and the head of the metacarpal. So yahan pe it is blending with the joint capsule and lying deep to the joint. So whenever we do flexion movement, the volar plate will glide proximally on the head. यहाँ पे जो volar plate होगी वो proximally glide होगी on the head of the metacarpal. So proximal is in this direction. When I'm doing flexion of my index finger, my volar plate will glide in this direction, that is on the metacarpal head. Now, why is this gliding important? Because अगर ये gliding नहीं होता तो मेरा ये जो range है वो complete नहीं होता. The volar plate ने मुझे बीच में ही restrict कर दिया होता. Since वो glide हो गया so I can complete the full range. Now let's talk about extension. So extension के time पे volar plate adds to the surface area. ये जो joint का surface area है वो उसको add on करता है and it limits the hyperextension. So in this diagram we can see the flexion movement is occurring. So as I said earlier, the volar plate will glide proximally in the metacarpal head direction. We will just name it here. The orange portion is the volar plate. Now on each side of the volar plate there are these sagittal bands that are present.
ये वाले डायग्राम में आप देखेंगे, ये फिर से हमारा मेटाकार्पल हेड है, ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, और ये जो मैं ग्रीन में कर रही हूँ दैट इज द सजाइटल बैंड, ठीक है। ये पोलर प्लेट के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। सो दीज सजाइटल बैंड्स कनेक्ट द वोलार प्लेट टू द एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस टेंडन एंड द एक्सटेंसर एक्सपेंशन, देयरफॉर दे स्टेबलाइज द वोलार प्लेट ऑन द मेटाकार्पल हेड। सो ये साइड व्यू है, ये हमारा मेटाकार्पल हेड और ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। सो यहाँ पे जो वोलार प्लेट होगी, फिर से मैं उसको ऑरेंज में मार्क कर रही हूँ, ये जो मेरी वोलार प्लेट होगी, सजाइटल बैंड्स उसको एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस टेंडन जो डोर्सल साइड पे होगा एंड द एक्सटेंसर एक्सपेंशन उससे कनेक्ट करेगा, एंड दैट इज हाउ इट विल स्टेबलाइज द वोलार प्लेट ओवर द मेटाकार्पल हेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेंडन इज ड्रॉन, द सजाइटल बैंड्स आर ड्रॉन, यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल है, द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट कैप्सूल। उसके साथ ये एक A1 पुली यहाँ दिखाया गया है, इस A1 पुली के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। दिस इज द FDS एंड FTP टेंडन। सो एक तरफ FDS एंड FTP का टेंडन है और दूसरी तरफ EDC और एक्सटेंसर एक्सपेंशन है। Now let us see the collateral ligaments, that is the radial and ulnar collateral ligaments. So ये collateral ligaments जो है दो है, collateral ligament proper and accessory collateral ligament. So यहाँ पे इस area में we have the collateral ligament proper and in this region we have the accessory collateral ligament. Okay, so इनका काम क्या है? ये जो collateral ligaments है, ये whenever the MP joint is in full flexion position, ये जो फुल फ्लेक्शन पोजीशन में अबडक्शन अडक्शन की मूवमेंट आप देख रहे हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ, यू कैन सी माय अबडक्शन अडक्शन मूवमेंट इन द फुल फ्लेक्शन पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ये क्यों है? क्योंकि देयर इज टेंशन इन द कोलैटरल लिगामेंट इन दिस पोजीशन एंड उसकी वजह से ये मूवमेंट मेरी रिस्ट्रिक्ट होती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कोलैटरल लिगामेंट्स। सो अब तक के हमने बात किया अबाउट द मेटाकार्पोफेलेंजियल, दैट इज द MCP जॉइंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द IP जॉइंट, दैट इज द इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। सो ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, वी हैव द प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एंड द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। सो ये फिर से बनता है हमारे हेड ऑफ द फैलिंग्स, ये हमारा हेड ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है और यहाँ पे है बेस ऑफ द फैलिंग्स डिस्टल टू इट, मतलब मिडिल फैलिंग्स। सेम वे यहाँ पे भी मिडिल फैलिंग्स का हेड रहेगा एंड यहाँ डिस्टल फैलिंग्स का बेस रहेगा। सो ये है हमारा DIP और यहाँ पे हमारा जो मैं कलर कर रही हूँ दैट इज द PIP, द कलर पार्ट PIP एंड DIP। सो दीज आर ट्रू साइनोवियल हिंज जॉइंट्स विथ 1 degree ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे भी वोलार प्लेट्स होती है टू reinforce द कैप्सूल एंड फॉर लिमिटिंग हाइपर एक्सटेंशन। अगेन जो हमने रेंज डिफरेंस देखा था इन द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स फ्रॉम द इंडेक्स टू द लिटिल फिंगर, सेम थिंग हमें यहाँ पे PIP एंड DIP जॉइंट्स पे भी दिखेगा फ्रॉम द इंडेक्स एंड द लिटिल फिंगर। सो PIP जॉइंट पे फ्लेक्शन रेंज इज 100 to 110 and at the DIP joint the range is 80 degrees, and for the little finger PIP joint flexion range is 135 and for the DIP it is 90 degrees. So again this is for the gripping. So now there is one very important phenomena that you all need to know, that is the starburst phenomena. So ye kya hota hai?
So Starbell's phenomena says that whenever I'm flexing all my digits, मतलब मैं मुट्ठी बना रही हूँ ऐसे, मेरे सारे फिंगर्स को मैंने बेंड किया है, दिस इज फ्लेक्सिंग ऑल माई डिजिट्स. ऑल माई डिजिट्स कन्वर्ज टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर पॉइंट. कन्वर्ज मतलब ये इनका फिंगर, मेरे सारे फिंगर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, दैट इज कन्वर्जिंग. सब फिंगर्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. और वो पॉइंट कौन सा है? द स्कैफॉइड ट्यूबर्कल. यहाँ पे मेरा स्कैफॉइड ट्यूबर्कल है, मेरे सारे फिंगर्स ये उस ट्यूबर्कल की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं. ये क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया देर इज अ रेंज डिफरेंस फ्रॉम द इंडेक्स टू द लिटिल फिंगर फॉर फ्लेक्शन. हमने MCP और PIP, DIP तीनों जॉइंट्स के टाइम पे देखा कि देर इज अ रेंज डिफरेंस. सो ये रेंज डिफरेंस की वजह से देर इज इंक्रीज फ्लेक्शन मोबिलिटी एज वी गो फ्रॉम द रेडियल टू द अल्नार साइड, एंड दैट्स व्हाई ऑल द फिंगर्स कन्वर्ज. कन्वर्ज वेयर? टुवर्ड्स द स्कैफॉइड ट्यूबर्कल. सो दिस इज नोन एज द स्टार बर्स्ट फिनोमेना. दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ग्रिपिंग एनी ऑब्जेक्ट. आप कोई भी बॉटल या कुछ भी सिलिंड्रिकल चीज जब पकड़ रहे हो तो आपकी जो ग्रिप है वो अल्नार साइड पे ज्यादा स्ट्रांग रहती है रादर देन द रेडियल साइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड रेंज. सो दिस वॉज अबाउट द स्टारबर्स्ट फिनोमिना. दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड इन द फर्दर पार्ट्स फॉर हैंड बायोमैकेनिक्स. प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस. ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग आर इंस्टा हैंडल. So please follow us on Insta @physiomonk. The link is given in the description box. Thank you for watching.